आज के वीडियो में बात करेंगे सिख धर्म और मराठा के बारे में। आज के वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो जो आरआरबी रेलवे में एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग क्षेत्रों में। तो आज इसकी वीडियो में बात करेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी आरटूबी एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात किया जाए तो गुरु नानक देव की बात करें। गुरु नानक देव ने उपदेश दिया था। तो गुरु नानक देव की बात करें, गुरु नानक देव ने उपदेश दिया था तो यह मानव बंधुत्व के बारे में उपदेश दिए थे। तो गुरु नानक देव ने जो उपदेश के बारे में बात करेंगे तो यह मानव बंधुत्व के बारे में गुरु नानक देव ने उपदेश दिए थे। तो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन दिया है कि सिख धर्म की स्थापना की थी, जो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। तो आंसर होगा, सिख धर्म की स्थापना की बात करेंगे तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं दिया कि सिख धर्म के संस्थापक की बात करेंगे तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, अर्थात इन्हीं को ही पहले गुरु के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म की बात करेंगे तो तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, जो 1469 ईस्वी में हुआ था। अब बात करें तलवंडी, जो बात करेंगे तो ये ननकाना बाद में पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। मृत्यु की बात करेंगे तो करतालपुर में गुरु नानक देव का मृत्यु हो गया था। तो सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। इन्होंने संगत और पंगत नामक दो संस्थाएं चालू की थी। संगत की बात करेंगे तो एक साथ गुरु के साथ बैठ करके विचार विमर्श करना था, और पंगत की बात करेंगे तो लंगर की व्यवस्था अर्थात निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह है कि सिखवाद अर्थात जो सिखवाद है या सिखिज्म बोलते हैं, सिखिज्म का परिवर्तन कब हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1500 ईस्वी में सिखवाद या सिखिज्म का परिवर्तन 1500 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे दिया है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक अफगान के द्वारा की गई थी। जो गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या की बात करेंगे ये अफगान के द्वारा की गई थी। तो कहाँ की गई थी, तो यह नांदेड़ में की गई थी। इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या की बात करेंगे तो यह नांदेड़ में की गई थी। तो गुरु गोविंद जी की हत्या की बात करेंगे एक पठान थे जिन्होंने 1708 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो गुरु गोविंद की बात करेंगे तो ये अंतिम गुरु थे, जो सिख धर्म के अंतिम गुरु अर्थात 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था, जो 1667 ईस्वी में इनका जन्म पटना में हुआ था। तो बात करेंगे तो इन्होंने एक से सबसे इम्पोर्टेंट की बात करेंगे, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, अर्थात जो बोल सकते हैं कि अंतिम गुरु अर्थात 10वें गुरु के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा कि आंसर होगा नांदेड़ में इनका मृत्यु हो गया था। क्या दिया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान की बात करेंगे तो हमने इससे पहले बताया है कि इनका जन्म स्थान पटना है। कहाँ पर इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? इनका जन्म स्थान पटना है। तो अब बात करें गुरु गोविंद सिंह की, हमने इससे पहले वाले वीडियो में सारी चर्चा कर ली है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इसी प्रकार से अगला भी क्वेश्चन क्या दिया है, उसी पे गुरु गोविंद सिंह के आधारित भी क्वेश्चन है। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है कि जिस लोग देख लेते हैं कि खालसा पंथ की बात करते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना की बात करेंगे तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो क्या दिया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना की बात करेंगे तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। हमने अगले वाले क्वेश्चन पूर्व से चर्चा कर लिया है, गुरु गोविंद सिंह कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, जो इन्होंने क्या किया था, तो हमने बता दिया है। तो खालसा पंथ की स्थापना की बात करेंगे तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से महाराजा रणवीर सिंह प्रमुख थे, जो निम्नलिखित में से महाराजा रणवीर सिंह प्रमुख थे। जो ये क्वेश्चन है हाल ही में जो 22 में
MPPCS का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराजा रणवीर सिंह प्रमुख थे, तो आंसर हो जाएगा शुक्रचकिया मिश्र संबंधित, किससे संबंधित थे, शुक्रचकिया मिश्र से संबंधित थे। कौन थे, महाराजा रणवीर सिंह थे, शुक्रचकिया मिश्र से संबंधित थे। तो ये कितने भी एग्जाम में पूछा गया था कि महाराजा जो रणवीर सिंह थे ये किस मिश्र से संबंधित थे, तो यह शुक्रचकिया मिश्र से संबंधित थे। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि सिख धर्म या सिख धर्म के खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित में से किसके द्वारा। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो खालसा पक्ष की स्थापना की बात करेंगे किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, किसके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पक्ष की स्थापना की गई थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, तो आंसर हो जाएगा जहांगीर और अकबर के गुरु अर्जुन देव क्या थे, समकालीन थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बी और डी दोनों से संबंधित होगा, आंसर क्या हो जाएगा बी तथा डी दोनों से संबंधित होगा। तो गुरु अर्जुन देव के बारे में समझ लेते हैं, तो गुरु अर्जुन देव थे सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था, इन्होंने क्या कहा था, अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। जो अमृतसर में एक तालाब है उनका निर्माण करवाया था, और इन्हीं जो मंदिर है अरमिंदर साहब जो गोल्डन टेम्पल का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया था। इसी प्रकार से 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी, और 1606 ईस्वी में मुख्य बातें जो हैं 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी, और 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा अर्जुन देव को मृत्यु की सजा सुनाई गई थी। तो इसी प्रकार से गुरु अर्जुन देव की हत्या की बात करेंगे तो जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे और अकबर के समकालीन थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बी तथा डी दोनों आंसर सही हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि गुरु अर्जुन देव थे किसके समकालीन थे। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, तो आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में गुरु अर्जुन देव थे। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के डांट गुरु थे। तो गुरु अर्जुन देव थे जो दसवें गुरु थे, गुरु और सिख धर्म के अंतिम गुरु, या बोल सकते हैं कि दसवें गुरु थे। तो आंसर हो जाएगा अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे तो सिख धर्म के अंतिम गुरु के नाम से भी जानते हैं, तो अंतिम गुरु के अर्थात बोल सकते हैं कि दसवें गुरु के नाम से भी जानते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पक्ष की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, खालसा पक्ष की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म की बात करेंगे तो पटना नामक स्थान पर हुआ था। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है, तो दिया क्या कि आदि ग्रंथ की बात करेंगे तो आदि ग्रंथ की रचना समकालीन किया गया, आदि ग्रंथ की किसने संकलित किया था, तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, तो आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो आदि ग्रंथ की रचना की बात करेंगे तो 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरु अर्जुन देव थे सिख धर्म के पांचवें गुरु थे, और जिन्हें सच्चा बादशाह की उपाधि प्राप्त थी, इन्होंने ही गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था, और 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा इनको मृत्युदंड की सजा दी गई थी। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है कि मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु कौन था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु कौन था। तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह थे, मुगलों से सबसे पहले लड़ाई की थी। तो बोल सकते हैं मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु कौन था, तो गुरु गोविंद सिंह थे, मुगलों से युद्ध करने वाले गुरु थे। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है,
गुरु लिपि क्या दिया, गुरु लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो गुरु लिपि की बात करेंगे तो गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। क्या दे आंसर क्या जाएगा? गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुरुमुखी लिपि की स्थापना की बात करेंगे तो गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। गुरु अर्जुन देव के द्वारा की बात करेंगे तो आदि ग्रंथ की रचना की गई थी। और गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे तो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये तीनों आप जरूर इंपॉर्टेंट या नोट कर लीजिएगा। अगर बोलेगा गुरुमुखी लिपि की स्थापना की बात करेंगे तो गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। और गुरुमुखी अर्थात सॉरी गुरु गुरु सूरी की क्या दिया है कि फिर से देख लेते हैं कि गुरुमुखी लिपि की स्थापना की बात करेंगे तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। और गुरु अर्जुन देव के द्वारा बात करेंगे तो आदि ग्रंथ की रचना की गई थी। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की बात करेंगे तो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था तो आप इसके लिए सॉरी। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि शिवाजी और औरंगजेब द्वारा राजा कब घोषित किया गया था? शिवाजी क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन दिया है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने राजा की उपाधि शिवाजी को दी थी। और कब दी थी? तो 1668 ईस्वी में। कब दी थी? 1668 ईस्वी में शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में दी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। लेकिन कब दी थी? तो 1668 ईस्वी में दी थी। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? इस प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि कहाँ पर शिवाजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? क्वेश्चन क्या है? शिवाजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा तलकांडो में। कहाँ पे दबे हुए? तलकांडो में शिवाजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं। आप इसे जरूर देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्या है किस पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता था? तो किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता था या जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव को पेशवा की तरह नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। तो बालाजी बाजीराव का दूसरा नाम बात करेंगे नाना साहेब की उपाधि प्राप्त थी। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जब बताएंगे तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो दिया क्या है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? जो शिवाजी का जो उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो कौन था? तो शिवाजी के उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सांबाजी थे शिवाजी के बाद उत्तराधिकारी बने थे। तो बात कर लेते हैं शिवाजी के जन्म की बात करेंगे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु की बात करेंगे 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। शिवाजी के जन्म की बात करेंगे तो शिवनेर नामक स्थान पर हुआ था। जो शिवनेर नामक स्थान जो महाराष्ट्र में पड़ता है। जो शिवाजी का नाम की बात करेंगे तो शिवनेरी देवी थी, इन्हीं के नाम पर शिवाजी का नाम पड़ा था। तो बात करते हैं शिवाजी के पिता की बात करेंगे तो शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले था और माता जी का नाम था जीजाबाई थी। तो इसी प्रकार से इनके दो गुरु थे एक आध्यात्मिक गुरु थे, एक राजनीतिक और संरक्षक गुरु थे। तो आध्यात्मिक गुरु की बात करेंगे तो रामदास थे। और राजनीतिक और संरक्षक गुरु की बात करेंगे तो दादाजी कोंड देव थे। और इनकी पत्नियां की बात करें, सात पत्नियां थी। सबसे पहले शादी की बात करेंगे, प्रथम पत्नी की बात करेंगे तो साईंबाई थी। 1640 ईस्वी में इनसे विवाह किया था। किससे? साईंबाई से इनसे शादी की थी। तो इनके शिवाजी के दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था राजा राम था और दूसरे पुत्र का नाम था सांबाजी, और सांबाजी जो बड़े पुत्र थे। इसी प्रकार से शिवाजी उत्तराधिकारी की बात करेंगे, शिवाजी का मृत्यु होने के बाद इनके पुत्र सांबाजी उत्तराधिकारी बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
उड़ीसा जो है, कृष्ण मसीह क्या हो जाएगा, उड़ीसा जो, उड़ीसा जो, उड़ीसा जो है, जो बाजीराव प्रथम ने इन्हें अपने मराठा साम्राज्य में विलय नहीं कर पाए थे, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि शिवाजी के जीवन काल में क्या दिया है कि शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्य स्थली कहाँ थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मावल प्रदेश में। कहाँ थी, मावल प्रदेश में शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली मावल प्रदेश में थी। कहाँ पर थी, मावल प्रदेश में थी। तो ये RRB रांची ASEM में क्वेश्चन पूछा गया सवाल है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि महेश्वर किस मराठा, क्या दिया है कि महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी, जो महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहिल्याबाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर की महेश्वर जो है मराठा राजधानी थी। किसकी, महेश्वर, जो महेश्वर थी मराठा रानी, जो अहिल्याबाई की राजधानी थी। अहिल्याबाई की राजधानी की बात की जाए तो महेश्वर थी, कहाँ थी, महेश्वर थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिवाजी के शासनकाल क्या दिया है कि शिवाजी, क्या दिया है कि शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या थी, जो शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या थी, तो आंसर हो जाएगा एक कर थी। क्या थी, एक क्या थी, एक कर थी। जो शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या थी, तो एक कर थी। अर्थात चौथ का मतलब होता है कि जो शिवाजी के आसपास क्षेत्र जो मराठा साम्राज्य में विलय नहीं थे, उनको रक्षा करने के लिए शिवाजी ने एक बट्टे के चार कर उसीलते थे, जिसे हम बोल सकते हैं कि चौथ क्या थे, चौथ। तो शिवाजी के शासनकाल में 1/4 को हम चौथ कहते थे, जो एक प्रकार की कर थी। क्या थी, एक बार क्या थी, कर थी। इसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी की माता का क्या नाम था, जो छत्रपति शिवाजी की माता के नाम की बात करेंगे तो जीजाबाई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीजाबाई था। क्या नाम था, जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीजाबाई था। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, क्या दिया है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी सबसे ज़्यादा प्रभावित की बात करेंगे तो अपनी माता जीजाबाई से थे। किसे, अपनी माता जीजाबाई से ज़्यादा प्रभावित थे। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पानीपत के तिथि युद्ध में मराठा निम्नलिंगमी से पराजित हुए थे। पानीपत का जो तिथि हुआ 1761 ईस्वी में हुआ था, जो मराठा की बात करेंगे तो मराठा अफगानों से पराजित हो गए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अफगानों से पराजित हुए थे। तो क्या दिया कि पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था, जो तृतीय लड़ाई के उपरांत में मराठा जो थे अफगानों से क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। तो इसी प्रकार से अगला, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।